Hello everyone, welcome to the my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss about the Laplace transform. So काफ़ी दिन हो गए रिलेटिविटी में काम किए हुए, तो थोड़ा सा रिव्यू हम करेंगे जो शुरुआती चीज़ें हमने पढ़ाया था, जैसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड रिलेटिविटी एंड देन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और उनका कंजर्वेशन लॉ. सो कंजर्वेशन लॉ में उन्होंने लॉ ऑफ फोर्स को दिखाया था और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था और कंजर्वेशन ऑफ इनर्जी के बारे में. तो थोड़ा सा डिस्कस करके फिर हम आगे बढ़ेंगे लॉरेंज की तरफ. तो क्या त्रुटियां रही गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कि हमें लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी करनी पड़ी, या लॉरेंज को ऐसा क्या लगा कि हमें क्या करना चाहिए, तो क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी और किस लिए हम उसे पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. कहाँ पे कमियां रहीं गैलीलियन की, या गैलीलियन किस मैकेनिक्स के लिए सूटेबल है, किस लेवल के लिए सूटेबल है या कहाँ पे नहीं है, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. सो रिलेटिविटी एक टर्म है जो दिखता है कि आ रहा है कुछ रिलेटिव टर्म से. जब कहीं भी दो बॉडीज़ का आता है, दो बॉडीज़ चर्चा में आती हैं, तो उनके हम रिलेटिव के बारे में सोचते हैं, रिलेशन क्या है उनका, एक किधर जा रहा है किधर जा रहा है कुछ इस तरीके से, या दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो आपस में एक दूसरे की स्पीड को या उनके बारे में समझने को, इन सारी चीज़ों को हम रिलेटिव चीज़ें बोलते हैं. तो एक्चुअली रिलेटिव इसी चीज़ों से स्टार्ट हुई. जब हम दो सिस्टम को लेकर एक साथ मेजरमेंट करते हैं तो वहाँ रिलेटिव चीज़ें आती हैं. तो रिलेटिव होती है कुछ ऐसी इस बॉडी के लिए जिनकी स्पीड कंपेरेबल हो लाइट के. रिलेटिविटी मेन इसी के लिए आती है जहाँ वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो. जैसे नॉर्मल में तो ऐसी कोई वेलोसिटी हमें मिलेगी नहीं. जो हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है. तो वो ज़्यादातर इस लेवल के लिए सारा कुछ ठीक है, क्योंकि जो हम जनरली जो देखते हैं अपनी दैनिक जीवन में, दैनिक लाइफ में, उसमें जो हमारी नॉर्मल लाइफ है उसमें कभी भी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि वो लाइट के आसपास हो. हम जानते हैं लाइट की स्पीड होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब नियरली 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड. तो इतनी हाई स्पीड हमें जनरली मैकेनिक्स में नहीं मिलती, या जनरली अपनी लाइफ में नहीं मिलता नॉर्मल लाइफ में. तो वहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स हमारा बहुत ठीक है, या न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी उसको बोलते हैं. तो हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स है, इसी को हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोलते हैं, ठीक है. तो वो सारी थ्योरी जो न्यूटन्स की थी वो क्लासिकल तक काफ़ी इफेक्टिव रही, सारी चीज़ें सही से अच्छे से चल रहा था. लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे हुए, जैसे जब हम न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करें तो जो पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे जो पार्टिकल्स थे उनके लिए एक थ्योरी आई. तो क्लासिकल से फिर हमें चेंज करना पड़ा क्वांटम मैकेनिक्स, जो एटॉमिक स्केल का है, एटॉमिक स्केल के लिए. तो वहाँ के लिए एक नई थ्योरी ईजाद करनी पड़ी, वो हुआ फिर क्वांटम मैकेनिक्स. लेकिन जब बड़ी बड़ी वेलोसिटीज आने लगी, जब उसके अंतर्गत बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, तो जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं उनकी जो हमें पार्टिकल मिलता है, या जो एक्सेलरेटर्स होते हैं न्यूक्लियर इंस्ट्रूमेंट के, वो जब पार्टिकल की वेलोसिटी को बढ़ाते हैं, उनकी एनर्जी को बढ़ाते हैं, तो वो काफ़ी तेज़ गति से चलते हैं. उनकी वेलोसिटी लगभग इस ऑर्डर में आ जाती है लाइट की वेलोसिटी के आसपास. तो ऐसी चीज़ों को स्टडी जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स से की है तो वो रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं रहा. तो इसके लिए सोचा गया कि कुछ एक अदर चीज़ें होनी चाहिए. तो वहाँ से फिर रिलेटिविटी की शुरुआत हो जाती है. तो फिर उसमें फिर आइंस्टीन आते हैं कि गैलीलियन का ट्रांसफॉर्मेशन तो क्लासिकल तक वैलिड रहता है, इस रीज़न में वो फॉल हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है. तो उसी के लिए लॉरेंज ने आगे फिर काम किया. तो इससे पहले हम इनर्शियल और नॉन इनर्शियल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे. इनर्शियल वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जहाँ न्यूटन्स लॉ होल्ड करता है, सारी चीज़ें वहाँ पे थी, या ऐसा कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेटेड ना हो वो इनर्शियल में आता है. नॉन इनर्शियल वाले होते हैं वो जो है एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है. तो गैलीलियन ने बताया था, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हम कुछ चीज़ें पढ़े हुए हैं. तो गैलीलियन का ट्रांसफॉर्मेशन था कुछ इस तरीके से. ये पोजिशन का ट्रांसफॉर्मेशन है, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस बी टी, वाई डैश इक्वल टू वाई एंड जेड डैश इक्वल टू जेड. और ये टाइम उन्होंने अपने हिसाब से लिया था, टाइम को उन्होंने यूनिवर्सल माना था. सो टाइम हमारा यूनिवर्सल था,
उस टाइम के लिए उन्होंने टाइम को फिक्स रखा था। तो ये था गैलीलियन का ट्रांसफॉर्मेशन, या हम यूँ कहें कि ये पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन था, ट्रांसफॉर्मेशन। उसी तरह उन्होंने वेलोसिटी के लिए भी ट्रांसफॉर्मेशन दिया और एक्सेलरेशन के लिए भी ट्रांसफॉर्मेशन दिया। तो हमने एक्सेलरेशन में एक यूनिक चीज़ देखी कि वो इनवेरिएंट रहा, हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन हमारा इनवेरिएंट रहा। तो और ये तो इनवेरिएंट से हम फिर ये साबित कर पाए कि जो न्यूटन्स फोर्सेस होते हैं वो हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम होते हैं, चाहे वो मूविंग बॉडी के साथ हो, चाहे वो रेस्ट फ्रेम के साथ हो, या मूविंग फ्रेम के साथ हो। तो गैलीलियन ने उसी बेसिस पे फिर अपने सारे कंजर्वेशन लॉ को दिखाया, जो क्लासिकल मैकेनिक्स के मूलभूत आधार है एक तरह से, जो हमारा लॉ ऑफ फोर्स है, लॉ ऑफ फोर्स जो क्लासिकल मैकेनिक्स का मेन आधार है। फिर आपका आता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि हम जानते हैं जो लीनियर मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है आइडियल में, या आइडियल हमारा एक तरह से इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इन इलास्टिक कोलिजन हो, दोनों कंडीशन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो उन्होंने ये बेसिक चीज़ भी कंजर्वेशन का दिखाया अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, या इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करके। उसी तरीके से इन्होंने इनर्जी के बारे में भी बताया, कंजर्वेशन ऑफ इनर्जी के बारे में, ये सारी चीज़ें हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि ये रिकॉल हो जाए, फिर हम आगे उनकी प्रॉब्लम देखेंगे और इस प्रॉब्लम से फिर इजाद होता है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ये सारी चीज़ें इनकी सक्सेसफुली हुई, सारा कुछ इस तरीके से इनकी थ्योरी एग्जिस्ट भी की और वो सही भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब हम लाइट के केस में देखें, या किसी फोटोन के लिए देखें, या किसी ऐसे पार्टिकल के लिए देखें जिसकी स्पीड सी के आसपास हो, लाइट के आसपास। तो उस केस में क्या हुआ कि अगर हम इसके वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन से जाएं गैलीलियन के, तो गैलीलियन का वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन था तरीके से वी डैश इक्वल टू वी माइनस स्मॉल वी, इसको हम बड़ा वी लिख देते हैं। ये कुछ इस तरीके से कि अगर हम दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं इस तरीके का, सपोज करिए ये एक्स और एक्स डैश है, इधर वाई और वाई डैश, और जेड और जेड डैश, यहाँ ऑब्जर्वर है ओ डैश और ओ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट सपोज करिए एक्स वाई जेड है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, एस के रेफरेंस के हिसाब से और एस डैश के हिसाब से, इसी पी का कोऑर्डिनेट है एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश, ठीक है। तो गैलीलियन ने बताया कि जो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी ये जो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट्स हैं इनके बीच जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा पोजीशन का, वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। और जो वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। अगर हम एक्स कंपोनेंट लिखें तो वी एक्स डैश माइनस वी एक्स इक्वल टू वी एक्स माइनस स्मॉल वी, और ये जो वी है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जिससे ये फ्रेम चलता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो अगर ऐसा कुछ सारा रहता है तो हमारा जो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन है वो कुछ इस तरीके से होगा। तो यही चीज़ अगर हम लाइट के वेलोसिटी के लिए सोचें तो वहाँ के लिए हमें क्या आता है कि अगर हम ऐसे किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करें, जैसे ये भी है दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और एक ये फ्रेम है जो रेस्ट में है, और दूसरा फ्रेम एस डैश जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी से एस के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ रहा है। तो अगर हम ऐसी कंडीशन लाइट की स्पीड के लिए देखें तो हमें क्या मिलेगा, उसी तरीके से कुछ मिलेगा कि जो सी डैश है वो सी माइनस वी हो जाएगा। जो लाइट की स्पीड है वो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखने पे सी नहीं होगा बल्कि सी माइनस वी होगा, ठीक है। तो ये बात तो ठीक नहीं है, क्योंकि लाइट को हम मानते हैं कि उसकी वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती है किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, हमेशा वो सेम रहती है। तो इसका मतलब ये है कि गैलीलियन में कुछ गड़बड़ है हाई स्पीड के लिए। जब छोटी वेलोसिटी थी तब तो ये सारी चीज़ें ठीक लग रही थी कि सारा कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लाइट के केस में
हमारा माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट भी है इसी यूनिट में जो हम डिस्कस करेंगे बाद में। उस एक्सपेरिमेंट में भी ये प्रूफ हुआ कि जो लाइट की वेलोसिटी है वो हमेशा सेम रहती है किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, चाहे वो मूवेबल हो या रेस्ट में हो, उससे सी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आइंस्टीन ने भी अपने पासलेट में मेंशन किया था, उनसे पहले ही उन्हें आइडिया भी नहीं था माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के बारे में, तभी उन्होंने डिस्कस कर लिया था कि जो लाइट की वेलोसिटी है वो किसी मीडियम पे उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमेशा एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहती है फ्री स्पेस में। तो इस तरह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो यहीं से हुई। तो हाई वेलोसिटी के लिए जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं वो फेल नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि सी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, जो लाइट की वेलोसिटी है वो वेरी कर रही है विद द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज़ मूविंग विथ वेलोसिटी वी। तो ऐसे केस में क्या होगा, चूँकि यहाँ वेलोसिटी प्रॉब्लम कर रही है, तो लॉरेंज ने सोचा कि जैसे हमारा गैलीलियन का ट्रांसफॉर्मेशन है एक्स डैश इक्वल एक्स माइनस बी टी, वाई डैश को वाई और जेड डैश को जेड, तो सिर्फ यहाँ एक्स में चेंज है क्योंकि हम मोशन केवल एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं, अगर हम सभी में लेंगे तो सभी में माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर हम तीनों एक्सिस को मूव कराएंगे इस तरीके से, अगर हम इस तरीके से मूव कराएंगे तीनों एक्सिस को एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश, और ये एक्स वाई एंड जेड, ये ओ डैश और ये ओ, तो इस केस में हमारा सारा माइनस हो जाएगा, तीनों में डिफरेंस आएगा। फिलहाल हम इजी के लिए केवल यही लेते हैं। तो लॉरेंज ने ये सोचा कि चूंकि वेलोसिटी प्रॉब्लम कर रही है तो उन्होंने एक टर्म डिफाइन किया, कांस्टेंट लगाया, ये ठीक है सारा कुछ, लेकिन इसमें एक और अदर टर्म होना चाहिए एक्स डैश इक्वल टू, तो हम स्टार्ट कर चुके हैं लॉरेंज के लिए, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। फिगर हमारा सेम ही रहेगा जैसा गैलीलियन में था, बिल्कुल इसी को भी ले सकते हैं। हम कंसीडर कर रहे हैं टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच एस डैश इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी विथ रिस्पेक्ट टू एस, ये सारी चीज़ें लिख लेंगे अपने से, ये समझने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। या आप चाहेंगे तो इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से एक्स डैश जो है कुछ इस तरह का होना चाहिए के एक्स माइनस वी टी, ठीक है। यहाँ पे के इन्होंने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया लॉरेंज ने, और इस के को कहा वेयर के इज ओनली डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम वी एंड डजंट डिपेंड ऑन x एंड t। सो जो नया k हम यूज कर रहे हैं, जो हम नया k यूज कर रहे हैं न्यू टर्म k, वो केवल डिपेंड करेगा वेलोसिटी v पर, क्योंकि जो ज़्यादा जो सारा प्रॉब्लम हो रहा है वो v की वजह से हो रहा है। v जब हमारा लेस देन c है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वेलोसिटी हमारा इंक्रीज कर रहा है c की तरफ, तो एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएटिंग टर्म कौन सा है, वेलोसिटी है। तो हम वेलोसिटी के लिए ही एक टर्म यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे के, तो जो के है वो डिपेंड कर रहा है केवल वेलोसिटी पे। लास्ट में हम डेरिवेशन करके दिखाएंगे भी कि जो के की वैल्यू आती है वो केवल वेलोसिटी पे डिपेंड करती है एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्स एन टी, सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एन टी। तो ये एक्स और ये एक्स डैश ये सब क्या है, इन सब पे के डिपेंड नहीं करता बल्कि केवल वी पे डिपेंड करता है, यानी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ठीक है, हम ऐसी चीज़ें मान सकते हैं कि जो k है एक नया टर्म है, इधर उधर में कोई दिक्कत भी नहीं है, और ये केवल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और ये एक कॉन्स्टेंट जैसा टर्म है, आपको बाद में दिखेगा कि यहाँ से कोई यूनिट नहीं आएगा, एक तरह से ये कॉन्स्टेंट फैक्टर है। बाद में देखेंगे कि इस k की वैल्यू आती है 1/√1 - v² / c², तो एक तरह से ये यूनिटलेस क्वान्टिटी है, इसका यूनिट कुछ नहीं आना, तो ठीक है कोई दिक्कत भी नहीं है। हम यहाँ कोई कांस्टेंट केवल कह रहे हैं कि कुछ और आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो एक करेक्शन है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इस के थ्रू,
और वाई और जेड में कुछ नहीं था, मोशन उनके अलांग नहीं है, तो वो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन को हम एज इट इज रख सकते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हम चाहे मेजरमेंट इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करें चाहे इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करें, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेजरमेंट सेम आता है, क्योंकि एंटसिन के पहले पास्टुलेट्स में भी है कि हम किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स है वो हमेशा सेम रहता है। तो हम चाहे इधर से मेज़र करें चाहे इधर से मेज़र करें सेम ही रहेगा, बस चेंज क्या होगा कि अगर हम एस डैश से एस को मेज़र करेंगे तो हमें कुछ ऐसा लगेगा कि जो एक्स है वो कुछ इतना है, सिर्फ वेलोसिटी हमें डिफरेंट दिखाई देगी कुछ इस तरीके से। और उन्होंने एक चीज़ और किया कि टाइम को यूनिवर्सल नहीं लिया, उन्होंने कहा कि टाइम भी चेंज होगा, टाइम एक यूनिवर्सल नहीं है बल्कि वो भी एक जैसे पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ है तो अगले टाइम पे वो नेक्स्ट पे होगा, तो टाइम को उन्होंने यूनिवर्सल नहीं कहा, उसको उन्होंने कहा कि वो भी चेंज होगा। तो जो एक थ्योरी यहाँ है स्पेस टाइम की, तो इसमें हर टर्म में वेरिएशन हो सकता है, इसलिए टाइम भी वेरी करेगा। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल चीज़ नहीं हो सकती, किसी पर्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल कहीं पे होगा, किसी पर्टिकुलर टाइम पे कहीं पे होगा, तो टाइम हमारा चेंज है, तो चेंजिंग टाइम के साथ पोजीशन चेंज होगा, तो टाइम को हम यूनिवर्सल नहीं मानेंगे बल्कि वो भी चेंज होगा। तो हमने क्या किया, जब हम दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखेंगे तो हम मेज़र करेंगे, जैसे यहाँ एक्स डैश था तो इसी रिलेशन को हम लिखे हैं रिवर्स करके, तो एक्स इक्वल टू के एक्स डैश, एक्स की जगह एक्स डैश और टी की जगह टी डैश, और वी हमारा जो है निगेटिव समझ में आएगा। इस फ्रेम को क्या लगेगा कि ये रेस्ट में है और ये वाला किस वेलोसिटी से जा रहा है, माइनस वी से पीछे की तरफ जा रहा है। हमको अक्सर क्या लगता है जब हम आगे की तरफ चलते हैं किसी वेलोसिटी से, तो जो बाहर की रुकी हुई चीज़ें लगती हैं वो लगता है उसी स्पीड से पीछे की तरफ चल रही है, तो वो वी के जगह पे माइनस वी हो जाएगा, तो वी रिप्लेस हो जाएगा माइनस वी से, तो जो एक्स आएगा वो के और एक्स डैश प्लस वी टी डैश थ्री, इसको मान सकते हैं इक्वेशन थर्ड। तो अब अगर हम इसको माने कि जो x हमारा था यहाँ पे, ठीक है, तो अगर हम इसको t डैश के लिए सॉल्व करें, और उससे पहले हम ये पुट कर लेते हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 3, तो 1 और 3 से हम लिख सकते हैं x डैश इक्वल टू, या सिंपल x इक्वल टू, हम क्या कर रहे हैं x डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू के x की जगह पे हम ये सारी चीज़ें पुट करेंगे, हमें मिलेगा k ये k है और x डैश है k x माइनस वी टी, ठीक है, प्लस v और t डैश, क्लियर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे t डैश के लिए, हमारा यहाँ पे क्या है वी टी, ठीक है, सो लेट मी चेक करो, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे k स्क्वायर मल्टीप्लाई करिए x माइनस वी टी एंड प्लस के वी टी डैश, और यहाँ पे क्या हो गया x, तो सिंपल मल्टीप्लाई है ये k स्क्वायर x माइनस वी टी प्लस के वी टी डैश, ठीक है, तो इसको हम इधर लेके आएंगे, सो के वी टी डैश इक्वल टू दिस इज x माइनस के स्क्वायर x माइनस वी टी, ठीक है। अब इन दोनों में हम देख रहे हैं कि x हमारा कॉमन हो सकता है, सो यहाँ से हमें मिलेगा के वी टी डैश इक्वल टू x कॉमन हो जाएगा और ये हमारा टर्म प्लस हो जाएगा, सो x 1 माइनस के स्क्वायर, क्लियर, x 1 माइनस के स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस के स्क्वायर वी टी, प्लस के स्क्वायर वी टी, क्लियर है,
x कॉमन, 1 माइनस के स्क्वायर और ये टर्म प्लस हो जाएगा और के स्क्वायर वी टी। सो अगर हम के बी से डिवाइड करें तो टी रेस इक्वल टू, यहाँ अगर हम के बी से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिंपल के टी एंड प्लस एक्स 1 माइनस क्या मिलेगा, के बाई वी, क्योंकि ऊपर के स्क्वायर है। अगर हम के बी से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ सिंपल हम पूरा ही लिख देते हैं, एक्स 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन के बी। ठीक है, तो ये रहा हमारा टी डैश का एक्सप्रेशन, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 4। तो हम देख रहे हैं कि टी में चेंज हो रहा है, इस हिसाब से टी डैश की वैल्यू आ रही है के टी प्लस समथिंग एक्स 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन के बी। ठीक है, तो अब हम अगर लाइट की वेलोसिटी के लिए लेंगे दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो हम क्या लिखेंगे, अगर हम ये मान के चलें कि जो लाइट है वो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से होके गुजर रही है, तो अगर हम एक्स डैश लिखेंगे तो एक तरह से सी टी डैश लिखेंगे, सिंपल डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, सिमिलरली एक्स इक्वल टू सी टी। ये किसके हिसाब से, ये एस डैश फ्रेम के हिसाब से और ये वाला एस फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, तो अगर हम C को माने कि वो कांस्टेंट है तो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में C को हम सेम रखेंगे। ठीक है, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम C को सेम लेकर चलेंगे और टाइम हमारा वही कर रहा है और यहाँ से पोजीशन वेरी कर रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फिर से यही क्वेश्चन उठाएंगे, ये वाला क्वेश्चन 3 मे बी, सो इस इक्वेशन में हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 5। तो एक्स डैश और टी डैश का मान रख देते हैं 5 में, एक्स डैश का मान कहाँ है, 1 में है, तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 4 इन इक्वेशन 5 विगेट। तो हम क्या कर रहे हैं, 1 और 4 को यूज कर रहे हैं 5 में, हमें क्या मिलेगा, एक्स डैश मीन्स के एक्स माइनस वी टी एंड इक्वल के टी प्लस, तो ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमारा C है और T डैश ये पूरा। सो अगर हम सिंपली मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा सी के टी, ठीक है, प्लस सी एक्स बाई के वी और 1 माइनस के स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ सिंपल हमने सी से मल्टीप्लाई कर दिया या सी को हम बाहर भी रख सकते थे, सी को हम आउटसाइड ही रख लेते हैं अभी इस तरीके से, सी और फिर टी की वैल्यू, टी डैश सी और टी डैश। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इसको ब्रेक करेंगे, के एक्स माइनस के वी टी इक्वल टू सी के टी प्लस प्लस सी एक्स बाई के भी एंड 1 माइनस के स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इन दोनों को हम एक साथ ले लें तो इसको हम सॉल्व करते हैं x के लिए। ठीक है, तो x के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा x यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो x को कॉमन ले लें अगर, तो k माइनस सी बाई के वी एंड 1 माइनस के स्क्वायर, इक्वल टू इसको हम अगर उधर लेके जाएं तो के और टी कॉमन हो जाएगा के टी और ये हो जाएगा सी प्लस वी। ठीक है,
इसका डेरिवेशन थोड़ा लॉन्ग है, तो आप लिखते जाएंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि हम तो मिटा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो x इक्वल टू के टी सी प्लस वी अपॉन के माइनस सी बाय के वी वन माइनस के स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें के टी सी प्लस वी, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर वी माइनस, ये टर्म थोड़ा बड़ा हो रहा है, सो लेट मी चेक। सो यहाँ पे हम के को कॉमन ले लेते हैं, तो के को अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा वन माइनस सी बाई वी के स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा वन माइनस के स्क्वायर उस तरीके से, तो के टी। और अगर हम यहाँ से है ठीक है सी प्लस वी अपॉन, सो दिस इज के वन माइनस सी बाई वी, और ये अगर के स्क्वायर को हम अंदर ले जाए तो क्या हो जाएगा, अगर इसको हम 1 बाई के स्क्वायर माइनस वन लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, के स्क्वायर को अंदर ले गए, बाकी सारा कुछ सेम है। सो यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा, सो दिस अगर यहाँ से फिर हम सी कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा सी टी, और अंदर बचेगा 1 प्लस वी बाई सी। ये लोरेंज ने इसी हिसाब से किया था, तो आपको जो कैलकुलेशन है वो उनके अकॉर्डिंग ही करना है, कहीं भी नहीं जाएंगे कैलकुलेशन करते हुए। सो वन माइनस सी बाई वी, अगर इसको हम ठीक है ऐसे भी वन अपॉन के स्क्वायर, या अगर हम यहाँ प्लस कर लें खैर ठीक है ऐसे भी प्लस कर लेते तो ये पलट जाता। सो वन बाई के स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो ये एक वैल्यू आ रही हमारी इक्वेशन, इसको हम सिक्स मान सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम इक्वेशन फाइव को यूज किया, यानी एस डैश फ्रेम में जो मेजरमेंट था हमारा, एक्स डैश फ्रेम का मेजरमेंट, उस मेजरमेंट को यूज किए तो हमें एक रिलेशन मिला एक्स इक्वल टू ये सारा कुछ। और दूसरा रिलेशन हम जानते हैं, इसको हम इक्वेशन सिक्स मान लेते हैं, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या है सी टी, तो अब हम क्या करेंगे सिक्स को इस्तेमाल करेंगे इस सेवन में। ठीक है, तो सेवन में यहाँ पे सी टी रखेंगे, तो सी टी इसीलिए हमने कॉमन लिया कि ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली आ जाएगा वन। सो यूजिंग सिक्स इन इक्वेशन सेवन, क्वेश्चन सेवन वी गेट, हमें क्या मिलेगा x के जगह पे सी टी, ये हो गया सी टी। हम सिंपली इसको कट कर देते हैं, यहाँ पे वन आ जाएगा और ये सारी चीज़ें होंगी, तो एक तरह से दिस इक्वल टू दिस मच हो जाएगा, यानी कि वन प्लस एक तरह से वन प्लस वी बाई सी इक्वल टू वन माइनस सी बाई वी वन बाई के स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, सिंपली ये दोनों कट के वन हो जाएगा, तो ये इक्वल टू ये हो जाएगा, सो वन एंड वन इज कैंसिल, सो वी बाई सी इक्वल टू सी बाई वी, इसको हम चेंज कर लें वन माइनस के स्क्वायर ऐसा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अगर हम क्रॉस करें
तो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई के स्क्वायर। तो अब हम फाइंड करने जा रहे हैं k की वैल्यू। तो 1 माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, या सिंपली कहें तो के स्क्वायर इक्वल टू या k इक्वल टू, ये अपॉन में है तो ये अब ये अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा हमारा k का वैल्यू जो k लॉरेंज ने यूज़ किया था। एक एक्स्ट्रा टर्म था जो याद करिए एक्स डैश इक्वल टू एक्स, यहाँ पे के था और एक्स माइनस वी टी था। ठीक है, तो वो के जो था उस के की वैल्यू ये आ रही है। तो इनिशियली हमने क्या सपोज किया था, जो के है वो केवल डिपेंड कर रहा है किस पर, वी पर। और यहाँ भी दिख रहा है क्योंकि सी तो कॉन्स्टेंट होता है तो के इज ओनली डिपेंड ऑन वी। ठीक है, ऐसा है, लेकिन वो किस पर डिपेंड कर रहा है, केवल v पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा नहीं लिखेंगे, सिंपली k डिपेंड कर रहा है v पर। तो जो हमने सोचा था वो सही भी है क्योंकि जो k का एक्सप्रेशन आया वो वही आया। तो यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन अब मिलना शुरू हो जाएगा। सो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी रिटन एज x डैश इक्वल टू k। सो k की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और नेक्स्ट क्या था, x माइनस वी टी। सो ये है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन पोजीशन के लिए। उसी तरह से y में कोई चेंज नहीं होगा और z डैश इक्वल टू z। सो ये तीनों हैं लॉरेंट का ट्रांसफॉर्मेशन पोजीशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसको हम चाहें तो सिंपली यहाँ लिखें और अपॉन में पूरा टर्म लिख देंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब एक टाइम इन्होंने सेम नहीं लिया था तो इनका टाइम भी चेंज होगा। जो टाइम वाली वैल्यू थी टी डैश का जो एक्सप्रेशन था उस टी डैश में हम k को पुट करेंगे। ठीक है, जो टी डैश का एक्सप्रेशन था हमारा, इक्वेशन देख लीजिएगा कौन सा है, 3-4 ऐसा कुछ होगा, जो टी डैश हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया था सी टी डैश के लिए, यही टी हम यूज़ करेंगे। तो टी डैश इक्वल टू था के टी था और प्लस 1 माइनस k स्क्वायर के भी, और यहाँ पे एक्स था। ठीक है, तो इसी में हम k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें आराम से मिल जाएगा कि टी डैश का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा। तो ये तीनों लॉरेंज का ट्रांसफॉर्मेशन था और उसी तरीके से एक और आ जाएगा यहाँ से टी डैश। तो चलिए पुट करते हैं। तो k का मान क्या था, तो k को मानते हैं kt। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, kt एंड 1 माइनस k स्क्वायर। सो दिस इज़ kt प्लस, ये क्या हो जाएगा, इसको हम अगर बाहर लिख लें तो 1 बाई kv, और अंदर हो गया 1 माइनस k स्क्वायर, और यहाँ पे x, या सिंपली x को हम यहाँ लिख लें। ठीक है, तो x अपॉन kv 1 माइनस k स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, टी डैश तो इस k को अगर हम यहाँ से कॉमन करें, k को कॉमन कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, k स्क्वायर, और यहाँ से गायब हो जाएगा। सो दिस इज k कॉमन हो जाएगा तो सिर्फ t बचेगा, प्लस xyv एंड k स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस k स्क्वायर। इसके कैलकुलेशंस को बड़ा ध्यान से करना है क्योंकि आप दूसरे रास्ते निकल जाएंगे तो जो रिज़ल्ट चाहिए वो मिलेगा नहीं। तो बड़ा ज़रूरी है कि सही रास्ते पर रहिए। ठीक है, अब इस के स्क्वायर को मंदर लेते हैं तो ये हो जाएगा टी प्लस एक्स वाई वी, यहाँ से क्या मिलेगा, 1 बाई k स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया k,
टी प्लस एक्स वाई वी और वन माइनस के स्क्वायर माइनस वन, हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, वन माइनस के स्क्वायर अगर इसको इधर लेते आएंगे तो माइनस वन हो जाएगा, तो वन बाई के स्क्वायर माइनस वन क्या होगा, माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सो हम यहाँ डायरेक्ट यूज कर रहे हैं कि वन बाई के स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, सो दिस इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। फाइनली हमें मिलेगा इसको, इससे वी एक कैंसिल हो जाएगा, सो हमें मिलेगा टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर, और इस के को हम क्या लिखेंगे, वन अपॉन अंडर रूट, सो ये चला आएगा नीचे, सो वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अंडर रूट में टी डैश। तो ये है हमारा एक अगला ट्रांसफॉर्मेशन। सो होल ट्रांसफॉर्मेशन मिला के होगा एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड, एंड टी डैश इक्वल टू टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सो दीज फोर इक्वेशंस आर नोन एज द लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान भी था, इसका डेरिवेशन थोड़ा लंबा है ज़रूर, और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस रास्ते हमें जाना है, किस तरीके से उस तरीके से करेंगे तो ये उतना कठिन नहीं है, लेकिन अगर लाइन चेंज कर गए तो ये काफ़ी टफ है, जो एग्जैक्ट रिजल्ट हमें लाना है उस फॉर्म में ये आएगा नहीं। ठीक है, तो ज़रूरी है कि हम सही डायरेक्शन में इसको सॉल्व करें जिससे हमें एग्जैक्ट वही वैल्यू मिले जो लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में था। ये सारे जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है चारों मिला के। ठीक है, अब अगर हम इनवर्स लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन निकालना चाहें तो कैसे आएगा, तो हम इसी में डिस्कस कर लेते हैं इनवर्स लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्स लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, तो इनवर्स लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि अब हम मेज़रमेंट का तरीका बदल रहे हैं, जो हम ओ से या ओ डैश से मेज़र कर रहे थे, जैसे एस डैश और ये एस, तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से वही पॉइंट हमारा एक्स वाई जेड और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, तो हमारा लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन आया एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से इस तरीके से। तो अगर हम वो मेज़रमेंट इधर से करेंगे, यानी हम x को निकालें, y को निकालें, z को निकालें और t को निकालें, तो वो मेज़रमेंट कहलाएगा इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको हम उसी तरीके से लिख सकते हैं जैसे ये है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा। चेंज क्या होगा, x डैश और यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा, प्लस भी t डैश अपॉन में सेम रहेगा वो अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा y डैश और ये हो जाएगा z डैश। तो चेंजेस क्या आएंगे, जैसा हमने कहा कि इस फ्रेम को लगेगा कि ये वाला फ्रेम माइनस वी से पीछे की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये वी से आगे की तरफ जा रहा है, तो जो चलती हुई वस्तु होती है उसे लगता है कि जो रेस्ट है वो उसी स्पीड से निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो माइनस वी की वजह से यहाँ पर प्लस वी हो जाएगा। तो सिंपली हमें चेंज करना है वी की जगह पर माइनस वी, सो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये एक्स डैश टी डैश हो जाएगा, और उसी तरीके से टी वाले में क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा टी डैश, यहाँ फिर से वी की वजह से प्लस हो जाएगा, सो दिस इज एक्स वी बाई सी स्क्वायर और अपॉन में अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यहाँ पे एक्स डैश होगा। सो दिस फोर इक्वेशंस आर नोन एज इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। So by these four equations, Lorentz transformation, you can find easily inverse Lorentz transformation. So this is the Lorentz transformation. So I hope this video is very helpful to all of you. And so this is all about for this video. Thanks for watching video. Thank you.